जनपद उन्नाव के नगर पंचायत हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष राज किशोर वर्मा के नेतृत्व में निकाला गया। लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए थे उनकी शहादत और मौन रखते हुए नगर पंचायत हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के लड़के ने हमारे किसान भाइयों को जो कृत्य गाड़ी चढ़ाकर किया है, गृह मंत्री के लड़के को जेल भेजा गया है, वहीं गृह मंत्री को भी जेल भेजा जाए। यदि जेल नहीं भेजा गया तो हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। पूर्व जिला अध्यक्ष राजकिशोर वर्मा, भारतीय किसान उन्नाव। ये कार्यक्रम हमारे लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए, ये भाजपा के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी। जो हमारे गृह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई। हमारे चार किसान यूनियन के आदमी शहीद हुए किसान, उनकी शहादत और उनको नमन करते हुए मैंने मौन रखा। हैदराबाद नगर पंचायत में कैंडल मार्च निकाला। हमारे हजार सैकड़ों तादाद में किसान यूनियन के आदमी आए, नगर में भ्रमण करके अपने जागरूकता जाहिर की और अपने माननीय राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हमारे नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन जो हमको दिखाया उसी में हम आज कैंडल मार्च निकाला है। उनका आदेश जो आता रहेगा वो हम आदेश का पालन करते रहेंगे और जो भी कुर्बानी देनी होगी हमारे किसान यूनियन, हमारे किसान भाई कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मंत्री के लड़का जो जेल गया है, गृह मंत्री का 20B में नाम मंत्री का भी है, गृह मंत्री जो है उनको भी 20B के तहत उनको भी कानूनी कार्यवाही की जाए, उनको भी जेल भेजा जाए। जब हमारे किसान यूनियन मानेंगे अन्यथा संघर्ष जारी रहेगा।